हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम क्रैक पर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छा एक वैकेंसीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आईआईएल का तरफ से वैकेंसी आया हुआ है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं। ये रिक्रूटमेंट जो है रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का है। दोस्तों, ये एक इंटरनेशनल लिमिटेड इंटरनेशनल कंपनी है और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ है। बहुत ही अच्छा एक वैकेंसी है। दोस्तों, यहाँ पर क्लियर कट लिखा गया है कि द कंपनी इन्वाइट्स एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर IRCON वेरियस प्रोजेक्ट दैट इज़ छत्तीसगढ़। मतलब आपका जो आप अगर अप्लाई करते हो, उसके बाद सिलेक्ट होते हो, उसके बाद जो है आपका पोस्टिंग छत्तीसगढ़ या तो फिर झारखंड या तो फिर कर्नाटका, राजस्थान, बिहार, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, गुजरात, उड़ीसा, ये सब जो जितना सारा ये लोगों का ब्रांचेस है वहीं पे शायद ये लोग भेज सकता है। हालांकि ये एडवर्टाइजमेंट नंबर में जैसे हम लोग एडवर्टाइजमेंट में जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्लियर कर लिखा गया है कि अक्रॉस इंडिया आपको कहीं भी वो लोग भेज सकता है। दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, सैलरी के बारे में बहुत ही अच्छा यहाँ पर टेबल में बताया हुआ है, मैं सारा चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो वैकेंसी है सिविल वर्क इंजीनियर सिविल का जो वैकेंसी है दोस्तों, टोटल 48 पोस्ट है। अनरिजर्व के लिए 22 है, ओबीसी के लिए 12, एससी एसटी के लिए एससी एसटी WS के लिए 7, 3, 4 है, ठीक है। इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है, 60% मार्क्स भी चाहिए और आपका अपर एज लिमिट जो है 30 ईयर्स चाहिए दोस्तों, ठीक है। और मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पर वर्क में आपका जो है मिनिमम एटलीस्ट 1 ईयर ये चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। दोस्तों, इसके लिए आपको कितना स्टाइपेंड मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि 31,000 रुपया पर मंथ यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जियोलॉजिस्ट के बारे में। इसमें 4 पोस्ट हैं, रिजर्व के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 1 है दोस्तों, एससी एसटी के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है। इसमें आपको एमएससी या तो फिर एमटेक चाहिए, 60% मार्क्स भी चाहिए और एज लिमिट अपर एज क्राइटेरिया जो है 30 साल ही रखा गया है, ठीक है। और इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। और ये वैकेंसी जो है मैं आपको अभी कुछ लोकेशन बताया हूँ, यहाँ पर दिया गया है कि आपका जो है स्पेसिफिकली पोस्टिंग वहीं पे ही होगा, ठीक है, जैसे कर्नाटका, महाराष्ट्र, UP MP जैसे मैं आपको अभी 2 मिनट पहले बताया। तो दोस्तों देखिए, उसके बाद ये सिविल का एक है, वर्क्स इंजीनियर सिविल का है ये, 35,000 रुपया इसका सैलरी है दोस्तों। इसमें टोटल 19 पोस्ट है। इसमें क्या चाहिए आपको, ग्रेजुएशन चाहिए, 60% मार्क्स भी चाहिए। इसमें अपर एज क्राइटेरिया 5 साल ज़्यादा रखा गया है, दैट इज़ 35 ईयर्स रखा गया है और 3 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर रखा गया है सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क्स में। और साइट सुपरवाइजर सिविल, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो पोस्ट है ये डिप्लोमा का है, एक ही पोस्ट है जो कि है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसमें आपको सैलरी मिल जाएगा 22,000 रुपया पर मंथ। इसमें आपको डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग, 60% मार्क्स भी चाहिए। इसमें अपर एज लिमिट जो है 30 साल रखा गया है और उसके साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस रखा गया है सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क्स में, ठीक है। और साइट सुपरवाइज़र सिविल के लिए यहाँ पर देखिए, ये भी डिप्लोमा का ही पोस्ट है। इसमें 25,000 रुपया सैलरी रखा गया है और टोटल 21 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 10 है, ओबीसी के लिए 5, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 1 एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 2, यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 2। इसमें आपको डिप्लोमा चाहिए एंड सिविल इंजीनियरिंग, 60% मार्क्स भी चाहिए और इसमें अपर एज क्राइटेरिया जो है दोस्तों 35 ईयर्स रखा गया है। तो इसमें जो है मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको 3,000 रुपया ज़्यादा भी पैसा मिलेगा पर मंथ, ठीक है। इसमें 22,000 रुपया था, इसमें 25,000 रुपया था। सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सेम सारा चीज़, ओनली जो है 3 साल का ज़्यादा एक्सपीरियंस में मांगा गया है। उसके लिए एज क्राइटेरिया जो है 5 साल बढ़ाया दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 30 साल था, इसमें 35 ईयर्स रखा गया है दोस्तों। अभी हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल के बारे में। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल का देखिए, वर्क इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए एक पोस्ट है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसमें आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऊपर ग्रेजुएशन चाहिए और 60% मार्क्स भी चाहिए। आपका अपर एज लिमिट 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इसका साल 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। किसका ऊपर चाहिए दोस्तों, ये चाहिए आपको इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन वर्क्स का ऊपर, ठीक है। और साइट सुपरवाइज़र जो कि है इलेक्ट्रिकल का, इसमें टोटल 22,000 रुपया पर मंथ सैलरी रखा गया है। 2 ही पोस्ट है, 2 ही अनरिजर्व के लिए है। इसमें डिप्लोमा चाहिए, 60% मार्क्स भी चाहिए। अपर एज लिमिट 30 ईयर्स रखा गया है और इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस भी रखा गया है कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन वर्क्स में, ठीक है। और दोस्तों, इसमें जो है ये जनरली ये आपका लोकेशन है, प्रोजेक्ट लोकेशन होगा, जो ऑफिस है वो लोगों का जम्मू कश्मीर एंड उत्तर प्रदेश में, ठीक है।
हालांकि ये नोटिफिकेशन में बहुत ही बढ़िया से वो लोग लिखा है कि कहीं भी अक्रॉस इंडिया कहीं पे भी आपको भेज सकता है। उसके बाद देखिए साइट सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल का दोस्तों जो पोस्ट है इसमें 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। इसमें चार पोस्ट है, तीन है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, एक है ओबीसी के लिए। इसमें डिप्लोमा चाहिए 60% मार्क्स, नॉट लेस देन 60%, ज़्यादा होगा तो चलेगा। और 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है। इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है ऑन इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन वर्क दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से लिखा गया है कि मेडिकल स्टैंडर्ड कैंडिडेट शुड बी इन साउंड हेल्थ, नो रिलैक्सेशन इन हेल्थ स्टैंडर्ड विल बी अलाउड। आपको मेडिकली फिट होना है, ठीक है। अगर आप मेडिकल फिट नहीं हो तो आप ये जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो दोस्तों। अभी यहाँ पर ये जो लिखा है ये जो टर्म साउंड हेल्थ का मतलब है आपका सारा चीज़ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। जनरल कंडीशन में दोस्तों लिखा गया है कि सिलेक्शन जो होगा रिटेन टेस्ट का आधार पे ही होगा। रिटेन टेस्ट के बाद इंटरव्यू होगा दोस्तों, उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन होगा। और यहाँ पर लिखा गया है कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द मेरिट लिस्ट, मार्क्स सिक्योर्ड इन डिग्री डिप्लोमा एज पर MEQ प्रेस्क्राइब एंड शैल बी कॉल्ड फॉर रिटन एग्जाम एंड और इंटरव्यू। लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शैल बी पब्लिश ऑन आवर वेबसाइट। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्लियर कट लिखा गया है जो शॉर्ट लिस्ट होगा वो मेरिट लिस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। और मेरिट लिस्ट का जो है जो मार्क्स आपका डिप्लोमा या तो फिर डिग्री में जो आप मार्क्स लाए उसका हिसाब से वो लोग मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करेगा, देन दे विल कॉल फॉर रिटन एग्जामिनेशन। और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट जो है वो लोग पब्लिश कर देगा ऑफिशियल वेबसाइट में, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात किया है कि आफ्टर सिलेक्शन प्रोसेस ए पैनल ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी मेंटेन्ड एंड इंजीनियर सो एम्पलमेंट शैल बी गिवन ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एज एंड व्हेन देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ऑफिस ऑफ IRCON इंडिया ड्यूरिंग नेक्स्ट 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये वैकेंसी बहुत अच्छा है और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ठीक है। और इसका साथ जो है आपका मैं सैलरी जो बताया उसका साथ TA DA और जितना सारा अलाउंसेस है वो भी ऐड हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। और भी आप 1-2 हज़ार रुपये जोड़ी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिप्लोमा लोगों के लिए, बीटेक लोगों के लिए 3-4 हज़ार रुपये जोड़ लो, ठीक है। अभी अभी देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है बिफोर अप्लाई, तो सारा आपका जितना सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सारा चीज़ बहुत ही बढ़िया से फुलफ़िल होना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पर 2 नंबर पॉइंट में एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा गया है कि एलिजिबल कैंडिडेट हैव टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड। ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। कैंडिडेट में विजिट द एच आर एंड कैरियर सेक्शन, ठीक है, एंड फर्दर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्शन, ठीक है। वहाँ पर आप जब ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे वहाँ पर एच आर एंड एच आर करियर में जाना पड़ेगा और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट बोल के एक सेक्शन है, वहाँ पर जा करके आपको अप्लाई करना है। कोई भी ऑफलाइन एप्लीकेशन आपको दिया नहीं जाएगा, वो लोग रिसीव भी नहीं करेगा दोस्तों। और आपको जो है अप्लाई करने से पहले आपको लेटेस्ट पासपोर्ट कलर साइज फोटोग्राफ होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, 100 KB के अंदर ही होना चाहिए दोस्तों। और PDF जो है PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जो है फॉर्मेट PDF में होना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 100 KB से 300 KB के अंदर होना चाहिए। फोटोग्राफ जो होगा वो JPG फॉर्मेट में होगा, ठीक है, और 100 KB या 300 KB के अंदर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट साइज होना चाहिए और फॉर्मेट जो है PDF होगा, ठीक है। और सारा चीज़ यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखना पड़ेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, डेट ऑफ बर्थ या तो फिर 10th पासिंग जो सर्टिफिकेट है एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST या तो फिर कहीं से भी बिलोंग करते हो तो आपको अगर कास्ट का बेनिफिट लेना है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट ऑब्वियसली दिखाना पड़ेगा। और EWS सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो दिखाना पड़ेगा अगर EWS के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। और अगर कुछ एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पर देखिए प्रेस्क्राइब फॉर्मेट लिखा गया है उसमें आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, फाइनल मार्कशीट, ये सब सारा चीज़ आपको रेडी करके रखना है। और दोस्तों ऑनलाइन ऑन सबमिशन ऑफ वैलिड एप्लीकेशन द सिस्टम विल जनरेट ए रिज्यूम विथ रजिस्ट्रेशन नंबर। एक रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही आप अप्लाई करोगे एक रजिस्ट्रेशन नंबर दोस्तों जनरेट हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होने के बाद वहाँ पर आपको आगे का जितना सारा प्रोसीडियर है वो लोग करेगा। तो दोस्तों ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखना पड़ेगा। और मेथड ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट में, उसके बाद एचआर एंड करियर में जाना पड़ेगा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्शन में जाना पड़ेगा दोस्तों। और उसके बाद देखिए फर्दर आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक वहाँ पर दिया रहेगा उसमें क्लिक करना है और जा करके फॉर्म आराम से भरना है,
फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं अभी बात किया हूँ। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपको सारा चीज़ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है पीडीएफ जेपीजी फॉर्मेट में, जैसे मैंने आपको बताया फोटो जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा। और अपलोड करने के बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि आफ्टर अपलोडिंग क्लिक ऑन अपलोड अपलोड डॉक्यूमेंट्स बटन, योर डॉक्यूमेंट्स विल बी अपलोडेड, फर्दर क्लिक ऑन रिटर्न बैक बटन टू गो बैक टू प्रीवियस विंडो। ठीक है, उसके बाद जो है मैं आपको एक बार प्रीव्यू लेना है, यहाँ पर लिखा रहेगा कि व्यू एंड फाइनल सबमिशन बटन, वहाँ पर प्रीव्यू करने के बाद फाइनल सबमिट आपको कर देना है। दोस्तों इसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है आपका, जो है जैसे नॉर्मल रहता है एक वैलिड ईमेल आईडी रहना चाहिए, नंबर रहना चाहिए, मोबाइल नंबर रहना चाहिए वैलिड। दोस्तों ये सब चीज़ जो है अभी आजकल के ज़माने में सबका पास एक वैलिड ईमेल आईडी रहता है, फ़ोन भी रहता है, स्मार्टफोन भी रहता है, तो ये सब कोई बड़ा बात नहीं है। और यहाँ पर देखिए 12 नंबर पॉइंट में एक अच्छा चीज़ लिखा है, कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड एनी हार्ड कॉपी ऑफ देयर एप्लीकेशन टू इरकॉन। तो आपको कोई भी हार्ड कॉपी, कुछ भी हार्ड कॉपी भेजना नहीं है। ये लोग एंट्री एकदम डेडली रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, तो आपको जो भी करना है ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 1 जनवरी से चालू हो गया है, ये चलेगा 21 जनवरी तक। तो दोस्तों अगर आप वीडियो देखे हो, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारा फुलफ़िल करते हो, तो आप फॉर्म डाल सकते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप वहाँ पर जा कर के डाउनलोड करो, और डाउनलोड करने के बाद सारा चीज़ क्लियर करो, पढ़ो बढ़िया से, उसके बाद आप जो है अप्लाई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा वैकेंसी है दोस्तों। तो फिलहाल वीडियो इतना तक ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, कुछ डाउट है तो कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं, और ऐसा ही एग्ज़ाम रिलेटेड जॉब रिलेटेड न्यूज़ वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि उसमें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप अपडेट होते जाओगे। तो फिलहाल वीडियो इतना तक ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।